हरी बोल हरी बोल हरी बोल मित्रों, आप सबका मित्र सगा दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक आज एक बार फिर निकल पड़ा अपने यार अपने गोविंद की गलियों में अपनी प्यारी चुलबुली प्यारी क्यूट सी स्कूटी पर। जी हाँ, आज एक करीब महीने बाद मैं YouTube वीडियो खुद बना रहा हूँ, क्योंकि एक महीने पहले हमारे पिताजी पूरे हो गए थे जिस कारण से मेरा कहीं आना जाना नहीं हुआ। तो आज मेरा यार मेरा गोविंद मुझे फिर श्री जी के कहने पर, जी हाँ श्री जी का वृंदावन धाम है ब्रज धाम है वो कहती है, तो मेरा गोविंद मुझे लेकर जाता है। तो मैं आज चल पड़ा हूँ, आप भी मन से मेरे साथ ब्रज गलियों में चलिएगा। मैं आपको वहाँ पर एक सरप्राइज अपनी फ्रेंड से मिलूँगा, जिससे मेरी मुलाकात मात्र 2 मिनट वहाँ के एक रिक्शे पे हुई थी और उसके बाद हमारी दोस्ती बहुत जल्दी गहरी हो गई, बहुत अच्छे हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। और जब भी हम बात करते हैं भक्ति मार्ग की बात करते हैं, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहेगा। जो भी दास को अपने मित्र सगा दोस्त को पहली बार सुन रहा है, अभी से इस चैनल श्री हरि का दास दीपक को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन टिंग टोंग दबा देना, ताकि आप मेरे साथ भक्ति मार्ग पे चकाचक अपडेट रहें। तो सारी अपडेट आपको मेरे साथ यूट्यूब पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए मेरे साथ वृंदावन धाम। तो दोस्तों ये दिल्ली बॉर्डर आ गए हैं, बदरपुर बॉर्डर है। अब ये पार करके मैं हरियाणा फरीदाबाद में एंटर कर रहा हूँ, और अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी रही। मेरे घर से करीब ये 24 किलोमीटर दूर पड़ता है, मात्र आधा घंटा लगा और मैं आराम से सुबह सुबह ठंडे मौसम में ये फरीदाबाद पहुँच चुका हूँ। जय जय श्री राधे श्याम। और इसी बॉर्डर से जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं मात्र 150 रुपये में, आपको वृंदावन लेके जाएंगी जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसका YouTube में मैंने वीडियो बना चुका हूँ, और जिस किसी को देखना हो कि दिल्ली से बॉर्डर से मात्र 150 रुपये में 2 घंटे में गाड़ी में आराम से बैठकर, जिसमें कोई बुकिंग नहीं करानी, बस ट्रेन की कोई झंझट नहीं, सीधा बदरपुर बॉर्डर पहुँचो और ये गाड़ियों में बैठो 150 रुपये में, 2 घंटे के अंदर आप सीधा वृंदावन पहुँच जाओगे। डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का अपनी YouTube वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो वीडियो के अंत तक अपने मित्र सगा दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक के साथ जुड़े रहिएगा। अपनी इस वृंदावन धाम की यात्रा में दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर का सफर तय करके मात्र 1.25 घंटे में मैं पहुंचा हूं मुनि जी रेस्टोरेंट, और इसके 6-7 किलोमीटर आगे ही कोसी पड़ता है। तो इसी रेस्टोरेंट में मैं सुबह का नाश्ता करता हूं, चाय पीता हूं, परांठे खाता हूं, और बहुत ही अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट है। तो चलिए आप भी मेरे साथ इस रेस्टोरेंट के भीतर। तो ये है मुनि जी रेस्टोरेंट, और आइए चलिए हेलमेट लें और रेस्टोरेंट के भीतर चलते हैं। बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है, बहुत ही शांत, झूले डले हुए हैं यहाँ पे, और मैं अक्सर यहाँ पे आता हूँ, बहुत ही शांत मैं अंदर बैठूँगा। राधे राधे दोस्त, कैसे हैं? राधे राधे जी, कैसे भाई? आ गए दोबारा बहुत जल्दी आपके पास। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्याम। अब मैं बहुत तसल्ली से यहाँ बैठकर खाने वाला हूँ एक गोभी का पराठा। जी हाँ, तंदूरी गोभी का पराठा मैंने ऑर्डर किया है, और बहुत ही सफाई के साथ यहाँ बनाया जाता है। जब वो ऑर्डर लेके आएंगे तो मैं उनसे खुद आपके सामने बात पूछवाऊँगा कि उसमें प्याज लहसुन होता है कि नहीं होता। ये रेस्टोरेंट वैष्णवों के लिए बहुत ही सही जगह है, यहाँ पे प्याज लहसुन मिक्स नहीं होता है। जैसे ही ऑर्डर आएगा ये बात मैं खुद उनसे कहलवाऊँगा, ताकि आपको विश्वास हो जाए और आप आराम से इस रेस्टोरेंट में आएँ। तो पहले मैं पराठा खाऊँगा, क्योंकि मुझे लग रही है चकाचक भूख, क्योंकि मुझे नाश्ते में पसंद है केले सेब दलिया, क्योंकि मैं सुबह 2 केले खा के निकला हूँ साथ देखा, और लग रही तगड़ी वाली भूख। तो मेरा जैसे ही पराठा आता है, नाश्ता आता है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, और बने रहिएगा मेरे साथ, बहुत ही मंगल में मेरी यात्रा हो रही है। तो लीजिए आ गया मेरा गर्मा गर्म गोभी का पराठा। जैसा कि आप देख सकते हैं मक्खन अलग से, और ये है पराठे की खासियत ये अचार। भाई आपका शुभ नाम? अशोक कुमार। अशोक भाई, यहाँ पे प्याज लहसुन डलता खाने में? नहीं डलता सर, अलग से रखते हैं। अलग से, मतलब किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो? नहीं जी, पूरी शुद्धता का ध्यान रखते वैष्णवों का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों चलिए, मुंह में पानी भर गया है, मक्खन मार के मुझे पराठा खाने दो, पेट में चूहे कूद रहे, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। टेस्टी, बहुत ही टेस्टी। यहाँ की खासियत है, यहाँ के जितना भी स्टाफ है ना बहुत प्रेमी इंसान है, बहुत तरीके से बोलता है और खिलाते बड़े प्यार से। चलिए पहले पेट बुझा, फिर आगे की बात बताऊँ। और सब शब्द नहीं है।
स्वादिष्ट सच में। जय हो जोगार। क्या चाय है, जैसे आप देख रहे हैं मीठा कम पत्ती तेज कड़क चाय। जी हाँ, सुबह सुबह मक्खन वाले परांठे खाने के बाद पेट तो तृप्त हो गया। अभी मेरा शाम तक का मैटर ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं सुबह तंदूरी पराठा नहीं खाता, लेकिन कभी हाईवे पे आकर इसका लुत्फ जरूर उठाना चाहिए, जो कि मैं भी उठाता हूँ। और चूँकि वो पराठा था, मक्खन का था, गले में मेरे प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए चाय तो मैं पीता पीता हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये पराठा मात्र 70 रुपये का और चाय 30 रुपये की है, कोई भी बजट से ओवर नहीं है। 70 रुपये का आप लेगा थाली बराबर पराठा और 30 रुपये की चाय। 20 रुपये की पहले थी, 10 रुपये की अब बढ़ाए क्योंकि दूध की कीमत बढ़ गई। लेकिन सफाई देखो कितनी है, मात्र 100 रुपये में मेरा शाम तक का पेट चकाचक हो चुका है। और देखो हाईवे पे भी आप 10-15 रुपये की बाहर चाय पीते स्टॉल के ऊपर, तो ना जाने दूध कैसा है, केमिकल वाला पाउडर वाला है, तो संशय रहता है। आजकल बीमारियाँ चल रही, लोग लालची होते हैं। ऐसे अच्छी जगह सेफ जगह बैठ के भले ही 2 पैसे में ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है, सुविधाएँ मिल रही है, साफ़ सुथरा भोजन मिल रहा है, और आपकी श्योरिटी इन चीज़ यहाँ पे अच्छी जगह पे श्योरिटी हो जाती है कि कोई मिलावटी चीज़ आपको नहीं दे रहे, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए मैं मुनी जी रेस्टोरेंट में आता हूँ। तो चलिए चाय पीने के बाद आगे की यात्रा करते हैं। तो मैं चाय पी लूँ, फिर आपसे वृंदावन में बात करता हूँ। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा दास दीपक के साथ। मेरो वृंदावन धाम, जय हो ब्रज धाम की, मेरे श्यामा श्याम की, बोलो वृंदावन धाम की जय। गोविंद का ये दास आज पहुंच गया फिर एक बार गोविंद की गलियों में। तो चलिए अब आपको मैं अपने यार की गलियों में लेके चलता हूँ, अपनी सगी के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए वृंदावन के भीतर आप सब मेरे साथ। तो मित्रों, इस समय मैं हूँ वृंदावन की पावन धरा पे, और 2 मिनट का 5 मिनट कहती है और 20 मिनट में पहली मुलाकात में मेरे पास आती है मेरी प्यारी सखी राधे राधे। ये देखो ये होता है 2 मिनट में, दीपक 2 मिनट में मैं क्या कहता, 2 से 5 मिनट में आऊंगी। और मैडम इटलाती पलखाती लहराती गोविंद की मस्ती में झूमती आ रही है पूरे 20 मिनट में। तो सबसे पहले मेरी सखी को प्रेम भरी राधे राधे, राधे राधे सभी को। और आज हमारी पहली मुलाकात है 2 मिनट की मुलाकात के बाद। जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सच में? हाँ हाँ। दिल से? बिल्कुल। खुश हो के? हाँ हाँ। और ये सरप्राइज है और मजे की बात, मैं आज ब्रज में आया हूँ गोविंद की कृपा से, और ये मरजानी कल दिल्ली में आ रही है गोविंद की कृपा से। इनकी जय जय की कथा है। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं शिव ऑडिटोरियम। लेकिन आज मेरा मन 3-4 दिन से विचलित था, तो इसलिए आज मैं आया और आज मुलाकात हो रही है। तो सखी जी, आज आप हमें कहाँ ले जा रही हूँ? आप हमें लेके जा रहे हो? मैं लेके जा रहा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ। तो आप ड्राइवर नहीं है भाई, ऐसा मत कहिए। गोविंद का दास हूँ। आप दास हैं गोविंद? हम दास हैं, दास ही हैं, और ये ब्रजवासी हैं और हम होना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका नाम है कल्पना। और कल्पना सखी, तो चलें फिर आगे की यात्रा करते हैं। तो मित्रों वीडियो के अंदर तक बने रहिएगा, और हम बात करेंगे एक दूसरे के बारे में भी, और देखिएगा कि मात्र 2 मिनट की इस रिक्शे में, इसी रिक्शे में हमारी दोस्ती हुई थी 2 मिनट की। उस 2 मिनट की दोस्ती में ऐसा हमारा आनंद आया कि हम बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन गए, राइट? क्या भक्तों का रेला है, मैं कभी नहीं कहता यहाँ भीड़ है, ये भक्तों का रेला है, मेला है। भीड़ तो संसार में है, यहाँ तो भक्तों का रेला है, मेला है। देखो क्या शनिवार, अच्छा शनिवार सैटरडे आ जाओ आ जाओ। गौ माता भी घूमती रहती हैं, बहुत सुंदर बाजार। कहाँ चली गई? खो मत जाइयो भाई, तू यहाँ पे आ जा। तो आइए, बहुत सुंदर दर्शन, चलते चले चलिए। जय जय श्री राधे श्याम। ये बिहारी जी की गली और आगे राधा वल्लभ जी। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय राधा वल्लभ, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा वल्लभ। राजभोग आरती हो चुकी है, पर्दा लग चुका है, साथ में सखी हैं, बहुत आनंदित हुआ, बहुत सुंदर दर्शन हुए। भागे भागे जाती है, फिरकी की तरह दौड़े दौड़े जाती है, तभी मैंने इसका सही नाम रखा, फिरकी है, भागती रहती है। लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हुए, आनंद आ गया, बहुत आनंद, आनंद रस की खान वृंदावन धाम। तो बहुत अच्छा हुआ, और मुझे अच्छा लगा कल्पना से मिलके। और राधा वल्लभ जी के बाद अब सारे पट एक तरह से बंदी हो जाएंगे, शाम को ही खुलेंगे। तो
तो चलिए आगे की यात्रा चालू रहेगी आप सबकी मेरे साथ, ठीक है। राधे राधे ब्रज वास करा दे। लेकिन बहुत अच्छी सखी है, बहुत भाव है इनका प्रभु के प्रति, मन गदगद हो गया सच में इनसे मिलके। ऐसी सखी सबको मिले जो भक्ति मार्ग पर हमें लेकर चले। लगन तुमसे लगा बैठे हमें अब तुम ही संभालो हरी। लगन तुमसे लगा बैठे हमें अब तुम ही संभालो हरी। ये जीवन कर दिया अर्पण तुम्हारे चरणों में ओ हरी। ये जीवन कर दिया अर्पण तुम्हारे चरणों में ओ हरी। लगन तुमसे लगा बैठे हमें अब तुम ही संभालो हरी। लगन तुमसे लगा बैठे हमें अब तुम ही संभालो हरी। और एक बहुत सुंदर भाव आया। गलियों में बीरज की आ गए हम छोड़ के संसार। गलियों में बीरज की आ गए हम छोड़ के संसार। अपने गोविंद के प्रेम में हम भूल गए संसार। अब रखो या ब्रज में ना रखो ये तुम पे छोड़ा यार। अब रखो या ब्रज में ना रखो ये तुम पे छोड़ा यार। गलियों में बीरज की आ गए हम छोड़ के संसार। गलियों में बीरज की आ गए हम छोड़ के संसार। जय जय श्री राधा वल्लभ की जय। मन गदगद हो गया भाव से, सब श्री जी देती है राधे श्याम। तो लीजिए ये सेवा कौन सी है जी? ये सोनी सेवा है। और ये कौन है? ये सखिया है, सारी सखिया जो है राधा वल्लभ जी सोनी सेवा कर रही है। सोनी सेवा, जय हो ले लिया बाबा, ले लिया प्रसाद जी। ये होती है सोनी सेवा, सबसे प्यारी सेवा होती है राधा वल्लभ जी में। आप भी करेंगी? आज हमें मौका नहीं मिल रहा, सोनी नहीं मिल रही। सोनी नहीं मिल रही, चलिए देखिए मन गदगद होगी, इसे कहते हैं जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बोलो यमुना महारानी की जय। देखिए कितना सुंदर यमुना मैया का दर्शन, यमुना मैया का विराट रूप, कितने शांत भाव में माँ यमुना बह रही है। और हम नाव पे हैं, दो दीवाने गोविंद की गलियों के मस्ताने, मैं और मेरी सखी कल्पना। कल्पना आज आपकी क्लास लगने वाली है, पूरी डिटेल लूँगा मैं। दो मिनट की दोस्ती इतनी गहरी कैसे हो गई, राइट? तो आज मन के भाव दोनों शेयर करते हैं, ओके? बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय हो। तो मित्रों आज दो गोविंद की गलियों के आवारा आशिक दीवाने, गोविंद की मस्ती में मस्ताने। सबसे मेरी लाइफ का ना एक पॉइंट हुआ है, ये अचंभा ऐसा कहते हैं सरप्राइज, मात्र दो मिनट, राइट सखी जी? मात्र दो मिनट में हमारी दोस्ती हुई, हमने व्हाट्सअप नंबर शेयर किया, इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया और हम आज इतने अच्छे दोस्त हो गए। और 2 अक्टूबर थे उस दिन, हाँ 2 अक्टूबर में याद है, भतीजे के साथ आता 2 अक्टूबर थी और आज मेरे ख्याल से 16 है। 14 दिन के अंदर आज हमारी पहली मुलाकात हो रही है और इस दरमियान हमारी जब भी बात होती है एक दो दिन छोड़ के कम से कम 1 से 1.5 घंटा होती है। और हुआ भी क्या था आप बताएंगे, क्या हुआ था शुरुआत कैसे हुई थी? हम लोग रिक्शे में बैठे हुए थे। नहीं, हम रिक्शे में से आ रहे थे। हाँ। आप रास्ते में बैठी थी। हाँ, रिक्शे में बैठी थी और रिक्शे में बैठने के बाद में आप कुछ प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो उस टाइम मैंने अचानक बोल पड़ी, अचानक मैंने रुचि में बोला कि आप थोड़ा ध्यान से रहना, यहाँ पर थोड़ा सा फ्रॉड भी है प्रॉपर्टी को। हाँ, परचेज करेंगे तो आप परचेज करेंगे। हाँ, तो ये इतना ही बात, इतनी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद आपने पूछा हमसे कि आप यहीं पे रहते हैं। हाँ। तो मैंने कहा श्री जी की कृपा कि उन्होंने बसा लिया बस यहाँ पर। फिर आगे आप ही ने बात चालू करी, फिर बात चली कौन सी प्रॉपर्टी। मैंने कहा मैं ये काम करता हूँ, मैं ले रहा हूँ, कोशिश है कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी ले लूँ, श्री जी कृपा करें। और फिर इन्होंने बताया रेंट पे, मैं रुक्मणी बिहार रह रही हूँ, तो मैंने कहा चलो रेंट का भी आप पता करना कि इन्होंने बताया 4,000 में भी है, 5,000 में भी है,
तो इस तरह से करते हुए ये सफर मतलब मदन टेर से बिहारी जीता का सफर दो से तीन मिनट का था बस, और उसी में हमारा नंबर शेयर हो गया और इतनी अच्छी दोस्ती हो गई। और श्री जी की बहुत बड़ी कृपा कि हमें एक गोविंद के दास जी से हमारी मुलाकात, और एक ऐसी सखी आज मैं उनके साथ पहले दिन टाइम स्पेंड किया। सच में सखी मैं कहता हूँ, आज मैंने एक ही चीज यमुना मैया से भी बोली, इनके आगे ये बोली है, हे गोविंद, हे गिरधारी, हे यमुना मैया, जिसकी संगत से मेरी भक्ति बढ़े मेरा उसका संग कराना, और जिसके संग से मेरी भक्ति घटे उसको मेरी लाइफ से डिलीट कर देना। राइट सखी जी? बस संसार के अब वो नहीं चाहिए चोचलेबाजी, बहुत देख लिया संसार की करके, संसार को रिझा के, संसार के लिए करके, अब तो यही है जिसका संग पाके भक्ति बढ़े, मन का भाव बढ़े, गोविंद प्रेम बढ़े, तो किस कोई सा संत हो, संगत हो, कोई सी भी हरी संगत हो, हमें तो उसका संग करा दो, ठीक है, और यही होना चाहिए। और एक बात मेरे को इनकी बहुत अच्छी लगी, जैसे जो मेरी लाइफ में घटित हो रहा था, थोड़ा एक दोस्त के साथ इनसे शेयर किया, उन्होंने एक ही बात बोली, निकलो इन चक्कर से। क्या बोला आपने? सब कुछ शिव जी के ऊपर छोड़ दो, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। हाँ, मेरा मन था, कुछ भावुक था, कुछ जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे थे, और पहली मुलाकात में मैंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, शायद आज तक वैसे तो उन्होंने कभी किसी से, मेरे को अभी इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने कहा था आप मेरे साथ 100% सेफ हो, राइट, मैंने कहा था आप बेफिक्र हो, और दूसरी बोला था मेरी लाइफ में कोई है तो ये मैं सोचना मुझे किसी की जरूरत है, राइट राइट, और आप मेरे साथ सेफ हो। आज मैं एक बात और बोलता हूँ, मेरी लाइफ में जो है वो आगे हो ना हो मुझे इसका नहीं पता, लेकिन नहीं भी हो तब भी आप मेरे साथ 100% सेफ हैं, आप ये बात याद रखना, क्योंकि हमारा भक्ति मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, प्रिया प्रीतम के मार्ग का, भोग वासना का नहीं है। प्रभु ने हमें जैसे भी संसार में लोग हमें कमियां निकालते हैं उसके बावजूद भी हमें अपनाया, बस और कोई दूध का धूला नहीं है, हम किसी के, देखो मेरी एक सोच है, मैं सबको अच्छा सोचता हूँ, मैं सब में अच्छाई देखता हूँ, अब कोई मेरी निंदा कर रहा मुझे उसका मैटर नहीं, क्योंकि उसकी सोच वैसी है, मैंने इनमें भी बहुत अच्छा देखा, और आज मेरे को उम्मीद से बढ़कर एक सखी मिली और बहुत अच्छा भाव रहा, और हमारी जो पहली बात हुई थी, देखो आज मैं इनसे क्वेश्चन करूँगा आपसे, बताना जरूर, हमारी पहली बात जो हुई थी कम से कम 1.5 घंटे की हुई थी, हुई थी ना फ़ोन पे, दिन में हुई थी, आपका करीब 1 बजे फ़ोन आया था, हाँ 1:15 बजे फ़ोन आया था, उस समय पहली मुलाकात में आपने मुझे अतीत का सब कुछ बता दिया था, मैं जहाँ तक समझता हूँ एक महिला के लिए अपना पास्ट इतनी जल्दी बताना बहुत बड़ी बात होती है, हाँ, तो आपको ऐसा क्या विश्वास हुआ जो मुझे आपने अपना अतीत बताया, कहने का मतलब अपने बारे में बताया, वो भी पहले ही कॉलिंग में? नहीं, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि किसी भी, आप चाहे वो दोस्ती के रिश्ते में हो या किसी भी आप रिश्ते में जब जुड़े तो वो सच्चाई के साथ ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई जो है वो आगे तक चलती है, और जहाँ पर जरा सा भी झूठ या छल कपट आता है वो रिश्ता फिर आगे नहीं चल पाता। तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी रिश्ते की आप शुरुआत करें तो एक ट्रस्ट के साथ शुरू करिए, और मैंने इसी ट्रस्ट के साथ ही बता दिया था कि मतलब श्री जी जाने, जो भी मेरे लिए अच्छा होगा वो मेरी लाइफ में रहेगा, जो नहीं होगा वो चला जाएगा। यही बात, और यही चीज़ उन्होंने मेरे को सिखाई है कि श्री से बोलो, श्री जी जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरी लाइफ में रहे, और जो नहीं है उसे डिलीट कर दो, उसे इरेज कर दो, साफ कर दो। और यही मैंने आज यमुना मैया से कहता हूँ ब्रजधाम में, जो मेरी भक्ति मार्ग में मुझे आगे ले आए, जिसका संग पाके मेरी भक्ति बढ़े, श्री जी मुझे उसका संग कराना, और जिसके साथ रह के मैं संसार के परपंच में फंसूँ, क्लेशों में फंसूँ, उसके संग को मुझे हटा देना, उसको भी सद्बुद्धि देना, उसका भी कल्याण हो। और यही बात अच्छी लगी, एक महिला पहली बार मुझसे बात कर रही हो, तब से मुझे इन पर विश्वास हुआ, फिर मैंने इनसे अपने मन के भाव भी शेयर करे, और सारे नहीं करे लेकिन इतने किया, उन्होंने कहा आप श्री जी पे छोड़ दो, और इनका यही संग पाके मेरे को बहुत खुशी हुई। मेरे जीवन की अब तक की इतनी कम समय में, शायद आपकी समय आपके लिए भी मात्र 2 मिनट में इतनी गहरी दोस्ती हो जाना बहुत बड़ी बात है कि नहीं, ये सोचने का विषय है, वरना कहाँ ये कहाँ मैं, हमने बिल्कुल नहीं सोचा, मैंने सोचा ही नहीं था कि ये क्या नॉर्मल बैठी है, छोटी सी चूसी आके बैठ गई और बात तो ऐसी, और अक्सर इनके फोन मेरे पास रात को आते हैं, जब ये अपने काम से फ्री आती है, इनका ऑफिस टाइम होता है, लैपटॉप पे करती है, राइट, और घर में एक छोटी बिटिया है, इनकी माता जी हैं जो साथ ही रहते हैं, और जब भी हमारी बात हुई है सिर्फ और सिर्फ वृंदावन की हुई है, राइट, हमारे वृंदावन की, और यही भाव हमें चाहिए, हमारी मित्रता इसी भक्ति मार्ग में आगे बढ़े, हमें और कुछ नहीं चाहिए, राइट, हमारी दोस्ती बनी रहे, हमारा मित्र भाव बना रहे, भक्ति मार्ग में आगे चले, बस यही श्री जी के चरणों में हमारी विनती है, राइट। तो चले सखी जी, आपके साथ ये मुलाकात मेरी बहुत अच्छी रही, और इस समय यमुना जी के तट पे बैठे हुए, और आज हमने सुंदर बहुत सुंदर भाव भी गाए, और मेरे लिए यादगार रहेगी आपकी दोस्ती, हमारी मुलाकात मात्र 2 मिनट में इतनी क्लोज फ्रेंड बने, राइट जी। और मैं भी उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा संग अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा है आपका, धन्यवाद। ये सब श्री जी का, मेरा नहीं है, श्री जी का दिया हुआ जी। हम तो क्या कहते हैं, जो देने वाली हैं वो
जो मन में उतारने वाली है वो, हम कुछ नहीं है, हम तो इतना जाते हैं बस, हम तो गलियों में विरज की आ गए छोड़ के संसार, अब रखो या ब्रज में ना रखो ये तुम पे छोड़ा यार, सही है ना। तो अब उन्होंने रिश्ता बनाया, अब वही रिश्ता मित्रता का निभाएंगी, बस शर्त यही है श्री जी के चरणों में अर्जी है, श्री जी शर्त नहीं अर्जी है, हमारी मित्रता भक्ति मार्ग में बढ़े, हम अपने पद से ना भटके। और जब जब मैं थोड़ा विचलित हुआ, मेरे इन्होंने मेरी शब्दों से पहचान लिया, आज आप रोए हो इन्होंने पकड़ लिया था, आप रो रहे थे ना, तो ऐसे दोस्त ये जो शब्दों से पहचान लिया कि मेरा दोस्त किस कंडीशन में है, तो मैंने हाँ आज मैं रोया था, आप दोस्त नहीं हो हमारे, हमारी सखी सखी, बिल्कुल हम सखी भाव में, तो मेरी सखी ने अपनी सखी को पहचान लिया कि आज ये रोए हैं, तो मेरे को ऐसी चीज़ जो शब्दों से पहचान जाए कि मेरी सखी किस हाल में, और इसी को ही एक मित्रता सच्ची कहते हैं। तो सखी जी हमारी मित्रता हमेशा चलती रहेगी, हमें उम्मीद है श्री जी कृपा बनाए रखेंगे, जैसा रहेगी। और तो दोस्तों हमारी मित्रता कैसे लगे, संकेत लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और डेस्टिनेशन में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे, राधे श्याम सीताराम, जय जय श्री राधे, जै जै श्री राधे।